अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में नामपल्ली हलके में कमिश्नर जीएचएमसी के साथ हमने एक तफसीली नामपल्ली हलके में सैनिटेशन पे दौरा किया। आज मेरे साथ आरिफ भाई साहब, रिडल्स कॉर्पोरेटर जफर भाई साहब, मल्लापल्ली कॉर्पोरेटर हासिम भाई साहब, विजनरी कॉलोनी कॉर्पोरेटर और हमारे मूसा भाई साहब, आसिफ नगर कॉर्पोरेटर, सरफाज भाई साहब अहमदनगर कॉर्पोरेटर, ये तमाम हम लोग मिल के रोनाल्ड रॉस साहब के साथ आज एक तफसीली दौरा किए थे। इस दौरे की ख़ास बात ये थी कि रोनाल्ड रॉस साहब और मैं शुरुआत किए थे और कोई दूसरे सैनिटेशन के अहदेदारों को आज हमारी रूट की इतला नहीं थी कि हम कहाँ जाने वाले हैं, और हमने पूरा रोनाल्ड रॉस साहब को बताया है कि जब वो पहले से इतला करके आते हैं किस तरीके से साफ़ सफाई रखी जाती है, और जब वो इतला करके नहीं आते हैं तो उनको आज यहाँ सैनिटेशन की हमने हकीकत बताई कि किस तरीके से यहाँ पे गार्बेज पड़े और किस तरीके से यहाँ पे सैनिटेशन साफ साफ लापरवाही कर रहा है और हर जगह बिन्स भरे हुए हैं। आज रोनाल्ड साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा कि सरप्राइज विजिट में उनको कई सैनिटेशन पॉइंट हमने बताए, उन्हें अहदेदारों से सख्त बात की और हमें उम्मीद है कि एक दो अहदेदारों को तो फौरी तौर पर सस्पेंड किया गया। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सैनिटेशन इम्प्रूव होगा। अगर नहीं खुद आना खासा ऐसा सैनिटेशन स्टाफ की तरफ से लापरवाही रहेगी तो ऐसे किस्म के और बड़े अहदेदारों से विजिट्स हम कराएंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो करप्ट ऑफिशियल्स है वो यहाँ से उखाड़ के फेंके जाए और सही ईमानदार ऑफिसर्स जो सही तौर पर आवाम की खिदमत कर सके वो यहाँ पर फील्ड पर मौजूद हो। शुक्रिया, अस्सलाम।